नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ का तड़का में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैंगो श्रीखंड की रेसिपी। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हंकट। इसके लिए मैंने एक कटोरा लिया है, उसके ऊपर चलनी रखी है और उसके ऊपर हम रखेंगे मसलिन या मलमल का कपड़ा। यहाँ पर मैंने लिया था आधा लीटर दूध और फिर मैंने उसका दही जमाया था। अगर आप बाज़ार से ख़रीदा हुआ रेडीमेड दही यूज़ कर रहे हैं तो वो आप 400 ग्राम लीजिए, क्योंकि वो दही थोड़ा गाढ़ा होता है। अब हम अपने दही को एक पोटली की तरह बना करके उसमें एक गांठ लगा लेंगे और अब हम पोटली को बहुत हल्के हाथ से प्रेस करते हुए उसके सारे पानी निकाल लेंगे। आप ये प्रोसेस ज़ोर से दम लगा के बिल्कुल भी ना करें, वरना कपड़े से आपकी पूरी दही बाहर आ जाएगी। अब ये देखिए, इस तरह से हमने प्रेस करके बहुत सारी पानी बाहर निकाल ली है। अब हमें इस पोटली के ऊपर कोई भी एक हैवी वेट रखना है और अब हम इन्हें फ्रिज के अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो इस पोटली को फ्रिज में हैंग भी कर सकते हैं, आप इसे बाहर हैंग मत कीजिए वरना आपका दही थोड़ा खट्टा हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दही को 8 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ा था और ये देखिए, ये हमारी दही कितनी प्रॉपरली गाढ़ी हो गई है। अब हम एक बोल लेंगे और उसमें अपने सारे हंकर्स निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये कितना क्रीमी और कितना प्रॉपर हंकर बन के तैयार हो गया है। अब हमें बनाना है मैंगो प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही के साथ लिया है 1/2 किलो आम और अब हम इस तरह से आम के प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी प्यूरी बनके तैयार है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम अपने सारे प्यूरी डाल देंगे। अब हम इस मैंगो के प्यूरी को 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम में। तो यहाँ पर हमारे मैंगोज कुक हो गए हैं, ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है और थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में स्टिक होने लग गया है। ट्रेडिशनल श्रीखंड में हम डालते हैं चीनी, लेकिन यहाँ पर मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया है और इसके बदले मैंने लिया है गुड़ का पाउडर। तो गुड़ का पाउडर मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच डाला है। गुड़ का पाउडर एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है रिफाइंड शुगर का। अब हम इसे 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। तो यहाँ पर सारी गुड़ भी गल गई है और हमारा प्यूरी तैयार भी हो गया है। अब हम ऐड करेंगे अपने मैंगो प्यूरी को हंकर्ड में। अगले स्टेप में हमें मैंगो प्यूरी और हंकर्ड को प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करना है। तो आप इसे एक विस्कर की मदद से या फिर स्पून की मदद से या फिर आप इसके लिए बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तो अब ये देखें, ये हमारा यहाँ पर श्रीखंड कितना स्मूदली मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है पिस्ता और बादाम, मैंने उसे रोस्ट कर लिया है और उसके बाद इसे फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 2 पिंच इलायची पाउडर। आप इसमें इलायची पाउडर ज़्यादा मत डालिएगा वरना वो मैंगो के टेस्ट को ओवर पावर कर लेगा। तो अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनली मैंगो श्रीखंड बनके तैयार है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैंगो श्रीखंड को एक सर्विंग बोल में डाल लिया है। इसे हम गार्निश करेंगे कुछ कटे हुए आम और कुछ कटे हुए पिस्ता के साथ। सो फाइनली हमारा मैंगो श्रीखंड सर्व करने के लिए तैयार है। आप ये रेसिपी इस समर अपने घर पे ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ़।